हेलो स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास इलेवेंथ जोग्राफी एन सॉल्यूशन चैप्टर नंबर सिक्सटीन द नेम ऑफ चैप्टर इज़ बायोडावर्सिटी एंड कंजर्वेशन वी डिस्कस टुडे इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज हम जोग्राफी जो क्लास ग्यारह की जोग्राफी के लेसन नंबर सिक्सटीन जिसका नाम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे द फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंज़र्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है जैव विविधता है उसका संरक्षण किसके लिए आवश्यक है तो इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें ए एनिमल्स बी एनिमल एंड प्लांट सी प्लांट एंड डी इज़ ऑल ऑरियुमेंस इसका आंसर होगा आंसर डी ऑल ऑरियुम्स यानी कि सभी जीवों के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट रखता है द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज थ्रेडेड एंड आर दीज़ विच यानी कि जो ऐसी प्रजातियाँ जो वाइल्ड एनिमल्स में रखी जाती है जिनसे डर उत्पन्न होता है तो इसका आंसर इसके ऑप्शंस हैं द थ्रेडिंग अदर्स यानी कि जो अन्य को अन्य को दर्शाती है लॉयन एंड टाइगर्स सी आर ओविडेंटेड इन नंबर्स डी इज़ द सफरिंग फ्रॉम द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आंसर डी आर सर्फरिंग फॉर द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन यानी कि जो विलुप्त होने के खतरे से पीड़ित है उन जातियों को हम थ्रेंडेड यानी कि जो कम कमी वाली जातियों के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज आर इस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज फॉर यानी कि जो नेशनल पार्क और जो सेंचुरीज़ होती है उन्हें किस किसके लिए डेवलप्ड किया जाता है तो इसके आंसर अगर हम देखें तो इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो आएगी रिस्ट्रिक्शंस हंटिंग पैट्स कंजर्वेशन। तो इसका आंसर होगा कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण के लिए यानी कि जो नेश, नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ है उनके इस्टेबलिमेंट का जो पर्पस होता है वो होता है कंजर्वेशन के किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जाए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी इन रिचर इन यानी कि बायोडाइवर्सिटी होती है वो अधिक समृद्ध यानी कि अधिक कहाँ पे पाई जाती है द ऑप्शन आर इज़ टॉपिकल रीज़न पोलर रीज़न टेम्पर रीज़न टेम्परेचर रीज़न एंड ओशियन तो इस आंसर इज टॉपिकल रीज़न यानी कि जो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी हमें जो टॉपिकल रीजन है वहाँ पर हमें अधिक देखने को मिलती है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच विच वन ऑफ द फॉलोविंग कंट्री द अर्थ समिट वाज होल्ड यानी कि निम्न में से कौन सी जो देश है जिसमें अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था द आंसर द ऑप्शन इज द यूके के मैक्सिको ब्राज़ील एंड चाइना दिज करेक्ट आंसर इज ब्राज़ील तो ये जो सबसे पहले जो हमारा अर्थ समिट यानी कि जो पृथ्वी सम्मेलन है वो 1992 में ब्राज़ील के जेनेरो नाम के शहर में वो आयोजित किया गया था तो जो फर्स्ट समिट है अर्थ समिट है वो सबसे पहले हुई थी द ब्राज़ील में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट नेम डज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचर रिसोर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश इंफॉर्मेशन अबाउट स्पाइसिज यानी कि जो ऐसी कौन सी जो लिस्ट है जिसके अंदर यूनाइटेड ऑफ यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ़ कंजर्वेशन एंड नेचुरल एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स अपनी जो पब्लिक्स करता है यानी जो स्पाइसीज हैं प्रजातियों के बारे में उसमें वो छापता है तो वो कौन सी लिस्ट है ए वाइट लिस्ट बी येलो लिस्ट सी वाइल्ड लाइफ लिस्ट एंड थर्ड इज़ रेड लिस्ट तो इसका आंसर होगा रेड लिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैन वाज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट द अर्थ समिट होल्ड यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके उसको बनाए रखने के लिए उसके संरक्षण के लिए जो पहली जो अर्थ समिट थी यानी कि जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था तो उसके ऑप्शंस हैं एट vienna in 1994 at rio de janeiro brazil in 1992 at Atlantica, atlantic in 1996 and the option d is at rome in 1998 the answer is the rio de janeiro brazil in 1992 स्पैस नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिस विच आर विच विच आर नॉट द नेचुरल इनहैबिटेड फ्रॉम द लोकल हैबिटेड बट आर इंट्रोड्यूस्ड इन टू द सिस्टम आर कोल्ड मतलब ऐसी प्रजाति जो अपने स्थानीय निवास के प्राकृतिक निवासी नहीं होते हैं जो स्थान उस स्थान के प्राकृतिक निवासी नहीं होते हैं लेकिन सिस्टम में पेश की जाती है उन्हें क्या कहते हैं द ऑप्शन इज एक्सॉटिक स्पाइसिस ऑप्शन बी एक्सटेनिक्पाइस ऑप्शन सी एंडिग्रेटेड स्पाइसिस रेयर स्पाइसिस the answer is exotic species question number 4 there are some countries there are some country which are stored in the tropical region the process is a large num number of the world species diversity दे आर कॉल्ड इज यानी कि कुछ देश जो ट्रॉपिकल रीजन यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं उनके पास दुनिया की प्रजाति की विविधता की एक बड़ी संख्या है उन्हें हम क्या कहते हैं द ऑप्शन इज़ हॉटस्पॉट ऑप्शन बी मेगा डाइवर्सिटी सेंटर ऑप्शन सी नैरो डाइवर्सिटी सेंटर एंड ऑप्शन डी माइक्रो डाइवर्सिटी सेंटर तो उसका जो आंसर होगा मेगा डाइवर्सिटी सेंटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ एनी स्पाइसीज ऑन द अर्थ यानी कि जो पृथ्वी पर किसी भी प्रजाति की जो औसत आयु कितनी होती है ऑप्शन ए वन टू फोर मिलियन ईयर सेकेंड वन टू टू मिलियन ईयर सी 5 to 10 million years. option d, 6 to 7 million years. the option b is correct, 1 to 4 million year. the question number 6 is what does the word bio and diversity means? this mean is bio means life and diversity means variety. the last question लास्ट मल्टीपल क्वेश्चन इज द डाइवर्सिटी विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंस इन शेप फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड जेनेटिक इज़ कॉल्ड व्हाट? यानी कि आकृति शारीरिक गतिविधि और अनुवांशिकता में अंतर से परिभाषित होने वाली विविधता को क्या कहा जाता है तो इसके ऑप्शन है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी second species diversity third ecological biodiversity and four all of the above the answer is species biodiversity